भाई ये बोर्डो पे ऐसा हाइप वर्दी है क्या भाई? अभी तेरे टट्टी है उसके अंदर तभी हाई वर्दी है, मतलब देखा जाए तो तारीफ हो गया। रुक जा छोड़। अरे भाई बोरूडो का मांगा तो बड़ा हाइप में चल रहा है आजकल, तो क्या उसको सही में अच्छा हो रहा है कि मतलब ऐसे ही लोग चढ़ रहे हैं बस? वहां पिछली वीडियो में था तो सही, तो जिसमें हम कुरामा की बात कर रहे थे, सो गया था भाई क्या? वो मैं कुछ वॉकिंग का वेट कर रहा था भाई। हराम भाई जवाब। यार भाई क्या क्या खास है यार हरमेन को रामा कर भाई। अगर तू सोचेगा तो वो नरूटो में था तो सही, इन्होंने भाई उसको मार दिया, लोग पागल हो गए, ओ कुरामा मर गया, आई हाइप आ गया, व्यूज आ गए, सब सब वापस बुरुटो को मांगा पड़ने लग गए, फिर तो उसके दोबारा इसको वापस जिंदा कर दिया जब उनको पता ही था कि बस वापस लाना ही पड़ेगा, तो फायदा हुआ क्या? अच्छा हुआ कि भाई मतलब मेरे हिसाब से तो यार मजा नहीं आया मेरे को भाई, कुरान को देख के सही बताऊं तो हिमावरी वो है 50-50 में। मतलब। हाँ ये सही कह रहा है, हेमावरी के अंदर देख के मजा नहीं आया भाई, सही कह रहा है, फेयर फेयर आर्ग्यूमेंट भाई। नरूट के अंदर तो पूरा मजा आ गया भाई, बैरिन मुर्दिन में मजा आ गया ठीक है, लेकिन यार अब वापस ला दिया वो भी बच्ची के अंदर, मतलब यार जबरदस्ती का लाना है तो मतलब किसी में भी डाल दिया, मजा लग रहा है भाई। हाँ वही बोरूटो में भी नहीं डाला, सीधा सीधा हिमावरी के अंदर डाला। बीमारी को डाल दी और भाई वो ही नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब तू ये नोटिस कर कि सेम चीज सास्के के साथ हुआ था, उसी टाइम पे बैरिन मोड़ के खत्म होने के अगले एपिसोड में तो सास्के का रेनिगन चले गया था भाई, लेकिन फिर क्या हुआ, अभी सास्के को जिंदा कर दिया विलेन की तरह, और उसके पास हाथ भी आ गया, रेनिगन भी आ गया दोनों आंखों में, बहुत बढ़िया। वही भाई मतलब ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई हटा रहे हैं, वापस हाई पास हाँ जाएगा, फिर वापस ला रहे हैं उससे और हाई पास जाएगा लोगों को। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोलूंगा, किशिमोटो ने सीधा सीधा सबके मुंह पे लिख के मारा है भाई, बोरुटो वर्दी नहीं है, इसके वर्दी नहीं है नारुतो जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। करने का। हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ट्विटर में ऐसे लोग दिखते हैं ना जो कहते हैं भाई बोरूटो का शक्ल का फोटो है ठीक है, और कहते हैं इससे ज्यादा सुंदर मेन कैरेक्टर दिखा दो, क्या भाई ये मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई भाई भाई। डिल्यूजन में जीना एक समझ में आता है मेरे को थोड़ा बहुत, ये तो भाई गेंजुत्सु से भी ज्यादा खतरनाक डिल्यूजन में जी रहे हैं भाई भाई। ये सुग्योमी के अंदर ही जी रहे हैं बहन के बच्चे भाई, वो पुराना लेगेसी को बोरूटो ड्राइव करके लेके जा सकता है क्या आगे? तुम्हें क्या लगता है, मेरे को तो नहीं भाई, बोरूटो का आगे जाके रिडीमिंग फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली दो चीज हो सकते हैं बस, कि बोरूटो इसको कैसे टैकल करता है मोमोशिकी को, और मोमोशिकी का प्लान क्या है वो, और दूसरा कि क्या कहते हैं वो कौन है अमाडो। सही बोल रहा भाई। वो आखिरी रिडीमिंग फैक्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से अमाडो, लेकिन उसका उसके ऊपर सब कुछ शक आ रखा अभी से कि अमाडो कौन है, तो बस उसका आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है अगर मसाशी किशिमोटो ने अच्छा सा कुछ प्लान कर रखा है तो, वो मैं कहूंगा। लेकिन जो पुराना लेगेसी था नारुतो से जो चलते आ रहा है उस सब को तो कचड़े में फेंक दिया, मैं इतना बोलूंगा उन्होंने। वही, और हाँ नारुतो में जैसा एक और चीज था कि साइड कैरेक्टर्स के भी अच्छे फाइट्स थे, उनकी अच्छे भी फाइट्स स्टोरी थी थे। खुद की। हाँ इसमें भाई बोरूटो फेल दिया में सबको, वही साइड कैरेक्टर भी कौन है, चोचो यार भाई। मैं तो कहता हूँ रॉक ली से एट गेट खुला दो भाई, तब मजा आएगा हाँ लेकिन कोई फायदा होगा क्या, माइट क्योंकि गाय। वो भी मादरा व्हील चेयर में आ जाएगा। का हाँ व्हील चेयर में भी नहीं आ पाएगा यार, माइट गाय को तो नरूटो ने वो बचा भी है। लिया, रॉक ली को कौन हाँ बचाएगा। और भाई अबे हरमन तू ये भी तो सोच, मादरा से ज्यादा पावरफुल यही लोग सारे जो सुन के अभी आ रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो, काम नहीं। नाइन्थ गेट लाना पड़ेगा इनको, समझ रहे हो?